हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का संख्या पद्धति के आज के इस अंक में। संख्या पद्धति में सबसे पहले आज हम बात करेंगे निरपेक्ष मान के विषय में। तो आइए जानते हैं निरपेक्ष मान क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात करते हैं। गणित में किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य या मापांक उस संख्या के चिन्ह के बिना उसके आंकिक मान के बराबर होता है। इसे हम दो लाइनों के बीच में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। इन लाइनों को मॉड या निरपेक्ष मान के लिए प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने जाना कि किसी भी संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है उसे ज्ञात करने के लिए उसे हम लाइनों के बीच में रखते हैं। तो इन दो लाइनों के बीच में उस संख्या को रखते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक संख्या है माइनस एक्स और इसका निरपेक्ष मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को चिन्हों से मुक्त कर देंगे, यानी ऋणात्मक या धनात्मक कोई भी चिन्ह इसमें नहीं रहेगा। तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो गया, x। इस तरह से हम यदि कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने -101 ले लिया, तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, इसमें हम चिन्ह हटा करके केवल इसका परिमाण ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 101। ठीक है, संख्या आपने जैसे -51 ले ली और -51 का जो निरपेक्ष मान होगा वो चिन्ह हटाने के बाद क्या मिलेगा, 51 मिलेगा। तो इस तरीके से -51 का निरपेक्ष मान क्या हो गया, 51 हो गया। यदि संख्या हमारे पास कोई धनात्मक संख्या है, जैसे हम +24 ले लेते हैं, तो 24 का जो निरपेक्ष मान होगा वो भी 24 ही होगा। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएँ कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आइए देखें। तो जैसे कि प्रश्न हमारे पास है 1/4 तथा 1/6, दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं 1/4 और 1/6 के बीच छह संख्याएं ज्ञात की। तो यहाँ हमें 1/4 और 1/6 के बीच में चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए परिमेय संख्याओं के हर को समान बनाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं दोनों के हर जो है असमान है, 1 का 4 है और 1 का 6 है। तो समान करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 तथा 6 का एलसीएम यह आपको आ जाएगा 12। तो बच्चों यहाँ 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 आ गया। अब हमें इन दोनों के हर को 12 बनाना है। तो 1/4 के हर को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर और अंश दोनों में ही 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको हर में मिल गया 12 और अंश में हो गया 3। इसी प्रकार से 1/6 के हर में 12 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अंश में हो जाएगा 2 और हर में हो जाएगा 6 गुना 12। अब ये दोनों जो परिमेय संख्याएं दी गई थी, दोनों के हर जो है बराबर हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, चार परिमेय संख्याएं इनके बीच में ज्ञात करनी है। तो हम 4 से 1 अधिक, यानी कि 4 और 1 5, 5 से दोनों के अंश और हर में फिर से गुणा करेंगे। तो अब जो नई संख्या बनी 3/12, इसमें अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 2/12 में भी अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 3 × 15 और 12 × 7। इसी प्रकार 2 × 10 और 12 × 7। तो यहाँ आपको 1/4 और 1/6 के बीच 4 संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं जो मिलेंगी वो क्या हो जाएगी। देखिए 10/6 और 10/60 और 15/60 में आपका जो 10/60 छोटा है और 15/60 बड़ा है। तो 10 के बाद आपको 11/60, 12/60, 13/60 और
14/60, ये चार परिमेय संख्याएं जो हैं इन दोनों के बीच में मिल जाएंगी। चाहे तो आप इन्हें सरल भी कर सकते हैं, जैसे 12/60 ये 1/5 हो जाएगा और 14/60 जो है 2/30 के बराबर होगा। बाकी आपके 13/60 और 11/60 ऐसे ही रहेंगे। तो ये आपकी चार परिमेय संख्याएं हो गई जो 1/4 और 1/6 के बीच में है। बच्चों ये एक तरीका है, एक विधि है, इस विधि से आप किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण के रूप में चार परिमेय संख्याएं बताई गई हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से आप 10 परिमेय संख्याएं, 15 परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं, जिसमें कि पहला तथ्य है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसा भी आपने देखा एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि 1/4 और 1/6 के बीच में हमने चार और परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। इसी तरीके से 10, 20 या 30 परिमेय संख्याएं हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और भी चाहें तो हम और भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दूसरा बिंदु है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल व गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने एक परिमेय संख्या a ले लिया और दूसरी परिमेय संख्या कर्णी में b ले लिया, तो यदि ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है तो इनका योगफल क्या होगा? अपरिमेय। उदाहरण के रूप में हम 3 ले लेते हैं, 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है और इसमें हम जोड़ देते हैं एक अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। इसी प्रकार से a गुणे कर्णी में b, जहां b क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका गुणनफल भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही होगा। उदाहरण के रूप में जैसे हमने यही संख्या ली या कोई और भी ले सकते हैं, 4/5 कर्णी में 2, 1/2 कर्णी में 3, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और गुणनफल दोनों क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं ही होंगी। अगला पॉइंट है का योगफल व गुणनफल भी सदैव परिमेय संख्या ही होगी। बच्चों ये जैसे कि आपने समरक प्रगुण पढ़ा था उसी पर आधारित ये है कि यदि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं a और b हैं तो उनका योगफल जो आएगा वो क्या होगा? वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। उदाहरण के तौर पे यदि हमने 1/2 और 1/4 दो परिमेय संख्याएं ले ली और इन्हें हम जोड़ते हैं, इनका योगफल ज्ञात करते हैं, तो क्या मिलता है? 3। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब यदि दो परिमेय संख्याओं a और b का गुणनफल करें और हमें तीसरी परिमेय संख्या c प्राप्त हो जाए
तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसा कि इस केस में यदि हम इनका गुणा करते हैं, 1/2 और 1/4 का हमने गुणा कर दिया तो अंश में 1 आ गया और हर में क्या हो गया, 8 आ गया। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई और उदाहरण ले लें, जैसे हमने -3/4 ले लिया और -4/5 ले लिया। अब इन्हें हमें हल करना है, तो हल करने के बाद गुणनफल देखिए, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, -1 यहाँ मिलेगा और -^-, क्या होता है, प्लस। तो 3 × 1 आपको 3 मिल गया और हर में 1 × 5 क्या मिल गया, 5। तो 3/5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल दोनों ही क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या ही होते हैं। तो आइए बच्चों, अब संख्या पद्धति पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें भी समझ लें, जिनका प्रयोग आप प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु है एक अंक वाली संख्याओं की संख्या। बच्चों एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 9 तक, तो कुल कितनी संख्या हो गई, 9 हो गई। अब इसी प्रकार से अगर पूछ दिया जाए कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो क्या उत्तर होगा, ये संख्याएं आपकी हो जाएंगी 10 से लेकर के 99 तक, और ये संख्या में कितनी होंगी, 90 संख्याएं होंगी। तो इसी प्रकार से यदि 3 अंकों वाली संख्याएं हमें ज्ञात करनी हो तो ये हो जाएंगी 900, 4 अंकों वाली ज्ञात करनी हो, 4 अंक वाली संख्याओं की संख्या, तो ये हो जाएगी 9000। इसी प्रकार से यदि हमें 3, 4, 5 के बजाय एन अंक दिए हों, एन अंकों वाली संख्याओं की संख्या, अब यहां पर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 अंक वाली, 15 अंक वाली या 20 अंकों वाली संख्या, तो आपको करना क्या है, 9 लगा देना है और 9 के साथ एन से एक कम कर देने हैं। यानी यदि एन 10 है, 10 अंकों वाली संख्या है आपको ज्ञात करनी है, तो एन से एक कम कर देंगे यानी कि 9, तो 9 बार 0 आपको देना है। और यही यदि एन का मान जो है 15 है, तो 15 - 1 यानी 14 बार आपको 0 लगाना होगा। एन का मान 20 है तो 20 में से एक कम करेंगे 19, यानी 9 के आगे 19 0 लगाएंगे तो 20 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर काम आएंगे। बच्चों आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जैसे कि यदि हमें 1 से n तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी हमें 1 से n, n क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 हो सकता है या 1000 हो सकता है, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमें ज्ञात करना है तो योगफल के लिए एक सूत्र है n/2 × n+1। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे हमें 1 से 10 तक की संख्या योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई, 10, n का मान क्या हो गया, 10, और यहाँ हम करेंगे 10/2 × 10+1, इसे हल कर लेंगे। 10/2 का मान आता है 5 और 10+1 का मान आता है 11, तो 11 × 5 = 55, यानी 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योगफल 55। इसी तरह से 1 से 100 तक, 200 तक भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी 2 से शुरू करके n तक की सम संख्याओं का योगफल, अगला पॉइंट इसे हम बना सकते हैं, 2 से n तक की
सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो दो से n तक ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन। इस तरीके से इस सूत्र की सहायता से आप सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और यदि एक से n तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसका भी सूत्र देख लें। एक से n तक की विषम संख्याओं का योग, ये हम निकालते हैं n स्क्वायर। n स्क्वायर से ये विषम संख्याओं का योग निकल जाता है। यानी जैसे कि आपको एक से 11 तक की संख्याओं का योग निकालना है, विषम संख्याओं की, तो पहले तो हम देखेंगे संख्याएं कितनी हैं एक से 11 तक, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये संख्याएं हमारी 6 हैं, यानी कि यहाँ पर n का मान क्या हो गया, 6। तो हम 6 का स्क्वायर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यानी इनका योगफल क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो संख्या पद्धति से संबंधित थे। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।